तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जींस टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर, चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही है ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है, मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ, बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है, तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहन कर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे, जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम के 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है, वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी खाना। इतना सारा खाना, राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी रोटी खाती किससे आप, सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से, जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को।